थी फिर अचानक से अब ये फिर से टिकट कट जाना, कल अब नामांकन दाखिल कर चुके थे। देखिए राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार कर। आपने ट्वीट भी किया है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा उस पर आप लोग अटल रहेंगे। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया तो स्वीकार है। काफी देर तक लंबी वार्ता हुई, उस लंबी वार्ता में कई बातें आई, हालांकि वो बातें ऐसी हैं कि मान लिया उसको तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की और बात करने के बाद फैसला किया। बहुत सुबह आज आपको बुला लिया। हाँ, मतलब माने पूरी रात से हम लोग यहीं पे थे तो साहब जल्दी आए, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह जल्दी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी आकर मुझसे बात की और दोनों लोगों की सहमति बनाकर फिर उनको जो है सिंबल देकर भेजा। एनडीए के साथी जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ ही देर के लिए टिकट मिलता है फिर टिकट कट जाता है। बीजेपी भी इस पे कह रही है कि आपको प्रत्याशी ढूंढने में नहीं मिल रहा है इसलिए सबको वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा समाजवादी पार्टी में। देखिए वो मान लिया विपक्षी दल है तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और प्रतिक्रिया कोई हमारी पार्टी के पक्ष में तो होगी नहीं, तो मान लिया वो विपक्षी दल है तो अपने विपक्षी जैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से जैसे मेरठ और आसपास हमारे जो भी उत्तर प्रदेश और प्रदेश या देश में जो लोग हैं हमारे मानने वाले जानने वाले, मैं सबसे ही कहूँगा कि समय को जो है स्वीकार करना चाहिए और समय पर जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सब परिस्थितियों के लिए सामना करने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव में, किस तरह से आप अपने आप? अब तो चुनाव सिर पर है और पार्टी तय करेगी। जो पार्टी तय करेगी, मान लिया विधायक तो हमें सदना के लोगों ने बनाई रखा है, संघर्ष की हमारी एक पहचान है तो संघर्ष लगातार जारी रहे। प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, प्रत्याशी तो नहीं, प्रत्याशी मान लिया कर दिया तो उसको सपोर्ट करेंगे। कहीं अफसोस होगा, दुख होगा एक लंबे? नहीं, मान लिया ऐसा है ना जैसे कोई कहने लगे कि भाई आपका टिकट कट गया तो खुशी हो रही है, तो ऐसे तो होता नहीं है। मतलब ये ऐसी भी चीज नहीं है कि मान लिया इसको हम लोग ऐसा करें तो। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ तय किया और मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझसे बात की और काफी लंबी देर तक वार्ता की, तो मैं कहूँगा कि हम लोग उसे स्वीकार करते हैं।